आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है। फिरोजाबाद जिले के खैरगढ़ थाना क्षेत्र के एक कॉलेज के समीप 17 दिन पूर्व ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के बेटे ने ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। मामला जसराना के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के एक गाँव निकाऊ का है। रामवीर सिंह उम्र 50 साल, चूड़ी के बेलर लगवाने का काम करते थे। वह बाइक से फिरोजाबाद से सामान लेकर गांव निकाऊ अपने घर जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर की टक्कर से रामवीर की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचित किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक रामवीर सिंह के बेटे पंकज ने इस संबंध में ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के पर्यवेक्षक एवं क्षेत्राधिकारी शुकुहाबाद कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिस पर थाना पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम महेंद्र पुत्र रामजीत, सत्यदेव पुत्र प्रेमचंद, ललित पुत्र महेंद्र निवासी निकाऊ थाना खैरगढ़ और सुरेंद्र शिवराज पुत्र फूलन सिंह निवासी द्वारकापुर थाना खैरगढ़ फिरोजाबाद बताई। पुलिस ने ट्रैक्टर की लिफ्ट, पटली, एक रॉड, एक फोन और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। क्या इसमें पूरा मामला निकल गया है और क्या? खैरगढ़ थाना क्षेत्र के निकाऊ गाँव के पास एक कॉलेज है, वहाँ पर एक रामवीर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 19 तारीख को। इसके संदर्भ में जिन पर आज जिनको आप लोगों के सामने रखा गया, जिन लोगों ने घटना कारित किया था, इन लोगों के द्वारा बराबर कोशिश करी गई कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन जब इसमें क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद और थाना प्रभारी खैरगढ़, इनके नेतृत्व में टीमें 3 बनाई गई थी, इसके तहत जो कार्रवाई हुई उसमें निकल के आया कि ये एक साजिशन इस तरीके की घटना कारित कराई गई जिससे चीज़ें एक्सीडेंट की लगें, जबकि हकीकत में सारी चीज़ें मर्डर की थी। इसमें ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया था और उसके साथ 5 लोग घटना में शामिल थे। सुरेंद्र, महेंद्र और युगेंद्र हैं, शिवराज, ललित, ये लोग हैं। इन लोगों से पूर्व में जो मृतक है उसका विवाद चलता था, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं हुए। अपराधी अपना कुछ न कुछ निशान ऐसा छोड़ता है कि उसको कानून के शिकंजे में ज़रूर आना पड़े, और उसी के तहत एक अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिसके लिए इस टीम को SSP महोदय के द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है और इसके लिए इनकी भूर भूर प्रशंसा की जाती है।